ऑटो एंटर की फंक्शनलिटी हमें अगर इसमें चेंज करनी है तो कैसे जाना? सो ये है MC33 डिवाइस और आप देखेंगे कि हम कैसे ऑटो एंटर इस पे रिमूव कर रहे हैं और हटा रहे हैं या लगाना हो कैसे हुए। तो पहले कहाँ गए? फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन ये डाटा वेज है। डाटा वेज में गए, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल मेंटेन होती है। प्रोफाइल में गए, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट में जाएंगे हम। डिफॉल्ट में गए, यहाँ पे प्रोफाइल इनेबल्ड है तो इनेबल्ड रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते जाएंगे सर, तो एक तो ये है सेंड एंटर एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसे मेंटेन कर देंगे। तो अभी हम मेंटेन नहीं करना तो हटा देंगे, ठीक है। तो ये यही ऑटो एंटर के लिए कि ये स्ट्रिंग चाहिए होती है। हाँ, स्ट्रिंग पे टिक चाहिए। और यहाँ पे दो ये हैं, तो यहाँ पे भी मेंटेन करना होता है। ये है ऑप्शन बेसिक डाटा फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसमें ऐसे एंटर करेंगे और यहाँ पे दो करने होते हैं सेंड टैप की, तो ये हमें मेंटेन नहीं करना है क्योंकि सेंड टैप की का क्या है कि स्कैन करने के बाद अगले टैप पे चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कर रहा था एक टी कोड में, तो ये हमने हटा दिया था। तो सेंड टैप सिर्फ हमको यहाँ पे सेंड एंटर की करना होता है। ये ऑटो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, हटा दो, अभी नहीं करना, अभी हमें करना नहीं है, तो हमने हटा दिया, ठीक है, ठीक है, ओके। बस ये दो चीज़ रिस्टार्ट कर लो,